सो हाय गाइस, हेलो, सो हेलो गाइस, कट कर देना प्लीज इसे। सो हाय गाइस, क्या आपने भी बेल्टी कॉल रेयन में बिना सोचे समझे अपने वॉल्ट सेक्शन से काफी ज्यादा बड़े बड़े आइटम बेच दिए? हाँ। अभी तक तुम लोगों ने मेल्टिंग वॉल्ट आइटम में जितने भी आइटम अच्छे बेचे होंगे या बुरे बेचे होंगे अभी तक रिटर्न देखने को नहीं मिले? हाँ। तो कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट को लेकर, सो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए वीडियो लेकर आया हूं ताकि भाई मैं आप लोगों को बता सकूं मेल्टिंग वॉल्ट आइटम में जितने भी आप लोगों ने अच्छे अच्छे आइटम बेच दिए थे, तो वो बेचे हुए अच्छे अच्छे आइटम आप लोग अपनी आईडी में वापस से बैक कैसे लेके आ सकते हो, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एंड साथ ही उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बेकार के आइटम बेच के मेल्टिंग वॉल्ट से काफी ज्यादा अच्छे अच्छे रिवार्ड्स को क्लेम किया, तो क्या उनके भी रिवार्ड्स वापस से चले जाएंगे, और जाएंगे तो गाइस किन किन लोगों के जाने वाले हैं, गाइस किन किन लोगों के पास रिवार्ड्स बच जाएंगे, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में होने वाली है। पर देखो गाइस, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के बोलने पर ही मेल्टिंग वॉल्ट की मैं आप लोगों के लिए पर्सनली वीडियो बना के लेके आया हूं। सो यार, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आ रहे तो, ताकि पहली बार तो गाइस आप लोग नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि जब ये इवेंट आया था तब मैंने वीडियो बनाई थी और इवेंट को अच्छे तरीके से समझाया था, लेकिन यार आप लोगों में से बहुत सारे बंदों ने गलती कर दी। और दूसरी बात गाइस, आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पे इसी तरह की यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी, सो अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से बात करें आप लोग के मेल्टिंग वॉल्ट आइटम के बारे में, यानी कि आप लोग के मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा हमारे गेम में कुछ इस तरीके का मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट आया हुआ है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा अभी गेम में चल भी रहा है। तो देखो मेरे को तो यहां से कोई भी रिवार्ड्स क्लेम नहीं करना था, बट मैंने थोड़े बहुत फालतू के जो मतलब वॉल्ट सेक्शन में फालतू के आइटम पड़े थे सब कुछ बेच दिया और यहां से एक दो रिवार्ड्स क्लेम किया, बट मेरे को यहां से कुछ अच्छा रिवार्ड मिला नहीं है, क्योंकि एक तो गाइस मेरे पास पहले से कुछ रिवार्ड्स थे वही मेरे को वापस से पकड़ा दिया, दूसरी बात गाइस मैं गेम बहुत कम खेलता हूं तो मेरे को यहां पे रिवार्ड्स से मतलब नहीं रहता है, मतलब कि OP37 के अपडेट से ही मैंने रिवार्ड्स वगैरह क्लेम करने छोड़ दिया है, क्योंकि टाइम वगैरह नहीं मिल पाता था आप लोग के लिए इतनी वीडियो बनाने के लिए, सो मैं कोई फ्री का रिवार्ड्स भी क्लेम नहीं कर पाता हूं। अभी मेरे एलीट पास के बैचेस भी कंप्लीट नहीं हुए तो एलीट पास के रिवार्ड्स भी मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। खैर ये तो अपनी पर्सनल बातें थी, अब बात कर लेते आप लोग के बारे में। आप लोगों ने यहाँ पे काफी सारे अच्छे अच्छे आइटम मेल्ट कर दिए थे एंड गाइस अभी तक आप लोग को रिटर्न में देखने को नहीं मिले, और जैसे कि आप लोग को पता होगा जब भी हमारा मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट का कांड हुआ था तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई थी एंड यार बड़ी मुश्किल से गन वालों ने आप लोग के भाई आइटम वापस रिटर्न के लिए पोस्ट डाली थी, तो उस अनाउंसमेंट वाली पोस्ट के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, आप लोग को पता ही होगा एंड आप लोग को गेम में भी देखने को मिल चुके थे अनाउंसमेंट। और गाइस अगर आप लोगों ने अनाउंसमेंट को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था कि भाई आप लोग के मेल्टिंग वॉल्ट के आइटम में जिनसे भी गलती हो गई थी, मतलब कि इवेंट के टेम्पररी क्लोज होने से पहले जिनसे भी गलती से अच्छे अच्छे आइटम मेल्ट हो गए थे, यानी कि किसी का हिपहॉप गया, किसी की ब्लैक जर्सी गई, किसी की व्हाइट जर्सी आई नहीं है, ब्लैक जर्सी गई, किसी की एंजेलिक पैंट गई, किसी का हिपहॉप गया, बहुत सारी चीजें आप लोग की चली गई थी मेल्ट सेक्शन में, तो वो सारी चीजें करने वाले आप लोग को रिटर्न में करने वाले थे, ये चीज आप लोगों ने न्यूज में पढ़ ली होगी। पर आप में से कुछ बंदों का कंफ्यूजन तो ये है कि भाई उन्हीं लोगों के आइटम वापस रिटर्न में आएंगे जिन्होंने अच्छे अच्छे आइटम बेचे थे, या फिर करें ना उन लोगों के भी आइटम वापस ले लेगा जिन्होंने बेकार बेकार के आइटम बेचकर अच्छे अच्छे रिवार्ड्स वहां से क्लेम किए थे। तो दोनों ही बातों का जवाब आप लोगों को एक ही लाइन में देता था, तो सिंपल सी बात है गाइस, आप लोगों को पता होगा इवेंट टेम्पररी क्लोज हुआ था कुछ टाइम के लिए, शायद 7-8 घंटे के लिए क्लोज हुआ था, तो देखो डेट तो मेरे को याद नहीं है लेकिन शायद 22 तारीख थी एंड 22 तारीख को 1:30 बजे आप लोग का इवेंट टेम्पररी क्लोज हो गया था, और इवेंट के टेम्पररी क्लोज होने के पहले यानी कि 22 तारीख को 1:30 बजे से पहले जिन भी लोगों ने इवेंट में पार्टिसिपेट किया था उन सभी लोगों के आइटम वॉल्ट सेक्शन में वापस से रिटर्न में किए जाएंगे या गाइस आप लोग को मेल बॉक्स में रिसीव हो जाएंगे, और जिन लोगों ने यार बेकार बेकार के आइटम भी बेच करके अच्छे रिवार्ड लिए थे तो गाइस आप लोग के वॉल्ट सेक्शन से अच्छे रिवार्ड्स गिरने वाले वापस से ले लेंगे, और बुरा आइटम आप लोग के जो भी वॉल्ट सेक्शन में पहले से थे वो वापस से रिटर्न में कर देंगे। लेकिन गाइस इसी के साथ मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर देता हूं कि भाई 25 तारीख तक आप लोग को एक सर्वे देखने को मिला था हमारे मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट का, जिसमें अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा तो हो सकता है कि आप लोग के सारी चीजें वापस रिटर्न में आ जाए वॉल्ट में, और जिन लोगों ने मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट में अच्छे रिवार्ड्स क्लेम किए थे मतलब कि बेकार का आइटम बेच के अच्छे रिवार्ड्स से मेल्टिंग वॉल्ट से निकाले थे और उन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हो सकता है आप लोग के अच्छे जो रिवार्ड है वैसे वैसे आप लोग के वॉल्ट सेक्शन में बच जाए, बुरे आइटम आप लोगों को देखने को नहीं मिले। सो गाइस सर्वे किया गया था, हो सकता है कि भाई जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके रिवार्ड्स वैसे वैसे बच जाए, जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया उन्हीं के वापस रिटर्न में आने वाले। तो ये तो बात हो गई भाई आप लोग के किन के आइटम तो वापस रिटर्न में लिए जाएंगे या गाइस किन के आइटम वापस रिटर्न में दिए जाएंगे, सारा कुछ मैंने आप लोग को डिटेल्स में समझा दिया। अब रही बात इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक हमारे मेल्टिंग वॉल्ट के जितने भी आइटम हम लोगों ने अच्छे अच्छे बेच दिए थे वापस से मेल बॉक्स में या किसी भी तरीके से हम लोग को रिसीव नहीं हुआ, तो वो कैसे रिसीव होने वाले एंड कब तक हमारी आईडी में वापस से सारे आइटम बैक आ जाएंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं गाइस गन वालों ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था एंड गाइस ये चीज बोली थी भाई लगभग 2 वीक लग जाएंगे इस सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। अब मेरे को पता नहीं है भाई कोई एक बंदा बैठेगा और भाई आप लोग के एक एक आइटम वापस से आप लोग के मेल बॉक्स में सेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है भाई गन्ने वाले पता नहीं किस तरीके से ये आप लोग को मेल्टिंग वॉल्ट के जितने भी अच्छे आइटम बेच दिए थे वो वापस रिटर्न देने वाले, लेकिन देने जरूर से वाले, अब वो सिस्टम से भेजे या किसी बंदे को बिठा कर भेजे लेकिन आप लोग के आईडी में सारे आइटम वापस से आ जाएंगे। बाकी रही बात कितने दिन में आएंगे तो गाइस मैंने आप लोग को बताया 2 वीक का गन्ने वालों ने टाइम मांगा हमसे, तो लगभग 14 दिन के भीतर ये सारा काम निपट जाएगा, आप लोग के आईडी में सारे आइटम वापस रिटर्न में कर दिए जाएंगे, और जहां तक मेरे को लगता है शायद 2 वीक में आप लोग का जो मेल्टिंग वॉल्ट का इवेंट है
खत्म हो जाएगा, तो शायद मेल्टिंग वर्ल्ड के इवेंट के खत्म होने के बाद ही आप लोग के आईडी में सारे आइटम वापस रिटर्न में आने वाले हैं। सो इन शॉर्ट में बोल दूं गाइस, आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, गलती से आप लोगों ने जो भी अच्छे आइटम मेल्ट कर दिए थे तो गाइस वो सारी चीज आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया होगा तो। बाकी देखो सर्वे का क्या सीन था मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है सर्वे में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे उन्हीं के आइटम वापस रिटर्न में आने वाले, बाकी पार्टिसिपेट नहीं गए तो भाई मैंने आप लोगों को खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि 25 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग सर्वे में पार्टिसिपेट कर लेना। फिर भी अगर आप लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बाकी हो सकता है कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन्हीं के आइटम वापस से बैक आने वाले, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके रिवार्ड्स वैसे वैसे बच जाए। सो आप लोग के मेल्टिंग वर्ल्ड इवेंट को लेकर काफी ज्यादा डाउट्स थे जो कि इस वीडियो के देखने पर क्लियर हो गए होंगे। एंड देखो यार, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार हम लोग 100K के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं और इंस्टाग्राम पे भी 10K होने वाला है, तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। We'll be right back.